प्रेगनेंसी में कौन सा इंसुलिन अच्छा होता है? क्या होता है प्रेगनेंसी में अक्सर जो इंसुलिन हम लगाते हैं दो तरह यूज करते हैं, एक तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है जो लगाते ही इंसुलिन काम करना स्टार्ट कर देता है, वो नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले ये देते हैं, उसका नाम है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो इंडिया में आती हैं उसका नाम है इंसुलिन एपिड्रा, इंसुलिन ह्यूमोलॉग, इंसुलिन नोवो रैपिड एंड इंसुलिन यूग्लिसिन रैपिड एंड इंसुलिन फियास्प। पांच इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आती हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये लगाते ही ब्लड में जा कर के विद इन 10 to 15 मिनट काम स्टार्ट कर देती है और इनका पीक जो है करीब 1 घंटे के अंदर ब्लड में पीक पहुँच जाता है और पीक इफेक्ट जो रहता है करीब 2 से 2.5 घंटे रहता है और मैक्सिमम का असर 3 से 4 घंटे रहता है। तो इसको लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि पीपी यानी खाने पर शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है क्योंकि इस इंसुलिन का पीक और शुगर बढ़ने पीक मैच करता है। तो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि हमें खाने के बाद ब्लड शुगर पीपी 120 से कम होना चाहिए तो अक्सर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन से ही कंट्रोल अच्छा आता है। पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का फ़ायदा एक और होता है कि शुगर लो चांस कम होते हैं क्योंकि ये केवल 3 से 4 घंटे काम करता है। तो ये पीक आया और जैसे शुगर नॉर्मल आ गया इसका असर कम हो जाता है। बट कुछ शहरों में, छोटे शहरों में हमारी पुरानी ह्यूमन इंसुलिन होती है जैसे ह्यूमन एक्ट्रापिड, ह्यूमन इंसुलिन एन या इंसुजन आर या इस तरह कई इंसुलिन आती जो ह्यूमन इंसुलिन रैपिड एक्टिंग है, रेगुलर इंसुलिन है, वो भी अच्छा है। बस उसका नुकसान क्या होता है, ये ह्यूमन एक्ट्रापिड टाइप के जो रैपिड ये रेगुलर इंसुलिन हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हैं, ये इंजेक्ट करने के बाद ब्लड में जाने के बाद ये करीब 30 से 45 मिनट बाद ब्लड में जाना स्टार्ट करती हैं और इसका एक्शन स्टार्ट होता है करीब 45 से 60 मिनट बाद। तो ये इंसुलिन जो है अक्सर 30 to 45 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले, 30 to 45 मिनट लंच से पहले और 30 to 45 मिनट डिनर पहले लगाना पड़ता है। तो इस पहले तो ये इसको 30 to 45 मिनट पहले लगाना पड़ेगा। नंबर टू, ये ब्लड में जाने के बाद इसका एक्शन स्टार्ट होता है करीब 45 मिनट 1 घंटे बाद एक्शन स्टार्ट होता है और इसका पीक आता है करीब 90 to 120 मिनट बाद, मतलब कि 1.5 से 2 घंटे पीक आता है और पीक जो है करीब 2 घंटे रहता है और इसका ड्यूरेशन एक्शन ये काम करता है 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक काम करता है। तो इसमें एक नुकसान क्या होता है कि ये आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद ब्लड शुगर बढ़ने के बाद नॉर्मली 3 घंटे के अंदर पूरा ब्लड शुगर जो भी खाने का वो ब्लड में चला जाता है, मतलब कि लीवर में, फैट में, मसल में यूज हो जाता है या स्टोर हो जाता है। पर उस समय इंसुलिन ब्लड में बना रहेगा, अगर आप रेगुलर इंसुलिन लोगे तो इसका असर 6 से 8 घंटे रहता है, तो ब्लड में इंसुलिन बना रहेगा। तो अक्सर देखा गया इस तरह इंसुलिन लेने के बाद जो हमारे इंसुलिन आर है, एक्ट्रापिड है, इंसुलिन आर है, रेगुलर इंसुलिन लेने से कभी कभी नाश्ते के या लंच या डिनर के 4 से 6 घंटे बाद, यानी लंच से पहले या डिनर से पहले या रात को 12 से 3 बीच में शुगर लो होने खतरा हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान या जब भी टाइट कंट्रोल जहाँ चाहिए हमें, इस इंसुलिन को हम प्रेफर नहीं करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये सस्ता होता है, जो नई इंसुलिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बोला मैंने उससे ये हाफ रेट कॉस्ट करता है, अगर आप वायल में लो तो और 1/4 रेट कॉस्ट करेगा, प्लस ये हर जगह अवेलेबल होता है। बट प्रेगनेंसी के लिए या जहाँ टाइट कंट्रोल के लिए इंसुलिन बहुत उचित नहीं है क्योंकि इसे पीपी कंट्रोल खाने पर शुगर 120 से कम लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे इस डोज तो ये खाने के नाश्ते के 3-4 घंटे बाद या लंच के 3-4 घंटे बाद या डिनर के 3-4 घंटे बाद रात को 12-1 बजे 2 बजे शुगर लो खतरा कर देता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सके तो प्लीज़ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लाइक ह्यूमोलॉग, नो रैपिड, एपिड्रा, इंसुलिन फियास्प या इंसुलिन यूग्लिसिन रैपिड कोई भी यूज करें, उससे आप पीपी कंट्रोल अच्छा आएगा और शुगर लो चांस भी कम होगा। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि कौन इंसुलिन आपके लिए बेटर होती है। तो आपने